छेड़छाड़ व 420 मामले में दो गिरफ्तार। आपको बता दें कि खटीमा कोतवाली पुलिस ने छेड़छाड़ व 420 के दो अलग अलग मामलों में दो लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दोनों ही अभियुक्तों को संबंधित धाराओं पर पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया है। पूरे मामले के अनुसार बीते रोज एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले में खटीमा कंजाबाद बगिया निवासी फरियाद को पुलिस ने जहां गिरफ्तार किया है, वहीं पूर्व में चल रहे 420 के एक मामले में आरोपी धर्मराज को बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज होशियार सिंह के द्वारा कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं खटीमा कोतवाली के एसएसआई अशोक कुमार ने मीडिया को बताया कि खटीमा कोतवाली क्षेत्र में लड़की से छेड़छाड़ व 420 के दो अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए दोनों ही आरोपियों को संबंधित धाराओं में पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये दोनों अलग अलग मामले हैं। एक तो कल शाम के समय छेड़खानी का मामला है, जहाँ रोड पर एक लड़की के साथ छेड़खानी कर दी गई थी और युक्त को जाओ मर्यादा को दूसरा जो मुजिम है धर्मराज, वो वर्ष 2021 से ही हमारे वॉन्टेड था एक 420 के मुकदमे में, इसको भी कानपुर से अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में पेश किया।